7381. जेंटलमैन, आप सब ये जानकर बहुत खुश होंगे कि हमारे साइंसदानों ने हीलियम गैस के इस्तेमाल का तरीका मालूम करके एटॉमिक एनर्जी के मामले में बहुत बड़ी तरक्की हासिल की है। अब हम हीलियम बम बना सकते हैं। हीलियम बम? ये तो दुनिया का सबसे खतरनाक बम होगा। वेरी डेंजरस मिस्टर लाल, इसीलिए हम हीलियम बम नहीं बनाएंगे। सारी दुनिया जानती है कि इंडिया की पॉलिसी जंग की नहीं, अमन की, पीस की है। हम इस जानकारी का इस्तेमाल शांति और प्रोग्रेस के लिए ही करेंगे। लेकिन ये फार्मूला गलत हाथों में भी जा सकता है। ओ नो डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं होगा। इस फार्मूले को ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर चटर्जी, आप क्या रूम में पूरे हैं? यस डॉक्टर, फार्मूले की माइक्रोफिल्म तैयार हो जाने के बाद सारे कागजात जला दिए जाएंगे। और उस जगह का चुनाव कर लिया गया है जहां माइक्रोफिल्म महसूस रहेगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। हेलो, दिल्ली कॉलिंग, गोल्डन आइस? यस बॉम्बे, गोल्डन आइस स्पीकिंग। बस जिस फार्मूले के लिए मैंने आपसे जिक्र किया था वो फार्मूला तैयार हो गया है। वेरी गुड, वो फार्मूला आपको मिल सकता है। उसे बेचने से जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बिल्कुल, तुम फार्मूला लेकर जल्दी बॉम्बे पहुंचो। माल मेरे पास नहीं है, उसे हासिल करना आपका काम होगा। ठीक है, लेकिन माल है कहाँ? इस बारे में मैं आपको जल्द इतला करूंगा। आप एक्शन के लिए तैयार हैं? हेलो, इंडियन एजेंट स्पीकिंग। बॉस, हमको मालूम पड़ा है कि इंडिया के साइंटिस्टों ने हीलियम बम बनाने का फार्मूला मालूम कर लिया है। हमको मालूम पड़ा है कि इंडिया हीलियम बम बनाने का फार्मूला क्या है। या भाई, कितना भी रुपया खर्चा होगा हम देगा, हमको फॉर्मूला मांगता। इंजीनियर जन, हमारा दो आदमी का आज बॉम्बे पहुंच जाएगा। हेलियम बम का फार्मूला हासिल करने में तुम उसका मदद करो। इंजीनियर,
जिसमें हीलियम बॉम्ब का फॉर्मूला, लेकिन ये माइक्रोफिल्म है कहाँ? हमको बराबर खबर मिला है कि 4 तारीख को एक सरकारी एजेंट वो माइक्रोफिल्म लेकर दिल्ली से बेंगलोर जाएगा। लेकिन आपको हमारे टर्म्स मालूम है? हम जानता, अगर तुम हमको वो माइक्रोफिल्म देगा, तुम जितना रुपये मांगेगा हम उतना देगा। ठीक है, आप समझिए कि आपका काम हो गया, माल मिलते ही हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हम लोग जाता। आज हमें एक ऐसा प्रपोजल मिला है जिसमें बहुत माल मिलेगा। सभी इसी वक्त दिल्ली चलने के लिए तैयार हो जाओ। Yes, sir. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हेलो हेलो डबल एक्स, तुम्हारी तरफ पीली गाड़ी आ रही है, उसमें माइक्रोफिल्म है, उसको रोको। ओके।
Operation Jamna successful. Congratulations. Thanks. लेकिन आशा, मामला जितना हमने आसान समझा उतना नहीं। क्यों? क्या हुआ? कोई दूसरी पार्टी भी इसके पीछे पड़ी हुई थी। उसने हमारा पीछा किया, गोलियां चलाई, लेकिन हम उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। लेकिन कामयाबी अधूरी है। क्या मतलब? रमेश का कहना है कि आपको खबर देने के बाद उसे पता चला है कि माइक्रोफिल्म के दो हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा कहाँ है? बंबई में। किसके पास? मैं नहीं जानता, लेकिन इस फिल्म के साथ आपको एक लेटर भी मिला होगा, उसमें सब जानकारी है। ओ हाँ, देखो क्या लिखा है। ओह, ये तो ऐसा कोड है जिसे मैं भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन बॉम्बे में इसकी पढ़ने का इंतजाम करूंगी। साहब आपका टेलीफोन। थैंक यू, थैंक यू। तुम फौरन यहाँ चले आओ। लेकिन मेरी दो दिन की छुट्टी है सर। छुट्टी कैंसिल की जाती है, तुम्हारी इस वक्त यहाँ बहुत जरूरत है। मेरी यहाँ भी तो जरूरत है सर। क्या कर रहे हो तुम इस वक्त? जी मैं वो, ये आवाज कैसी है? जी मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा है, मुझे उससे बहुत प्यार है। बच्चा? लेकिन ये तो कोई बड़ी बिल्ली मालूम होती है। खैर जाने दो, तुम यहाँ फौरन चले आओ, मामला बहुत नाजुक है। 077 राकेश एक बेहतरीन एजेंट है। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग। बैठो राकेश। आप हैं डॉक्टर वर्मा, आपके डिपार्टमेंट की एक बहुत ही कीमती माइक्रोफिल्म खो गई है और तुम्हें उसका पता लगाना है। इस फार्मूले की दो माइक्रोफिल्में तैयार की गई थी, आधा फार्मूला एक फिल्म में और आधा दूसरी फिल्म में। एक फिल्म चोरी हो गई, लेकिन दूसरी कहाँ है? बम्बई में, डॉक्टर चटर्जी के पास। तब तो मुझे बम्बई जाना चाहिए। दुश्मन उस फिल्म को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा। एग्जैक्टली, मैंने यह खत डॉक्टर चटर्जी के नाम लिख दिया है, वह आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सर। ये किन लोगों का काम हो सकता है? मेरा ख्याल है इसके पीछे चीनियों का हाथ है। हमारे जिस स्पेशल ऑफिसर पर दुश्मन के जासूसों ने हमला किया वो अभी भी हॉस्पिटल में जिंदा है। अगर आप जाकर एक बार उनसे मिल लें तो शायद उससे आपको कुछ जानकारी हासिल हो सके। मैं आज उनसे मिलूंगा डॉक्टर वर्मा। हेलो मिस्टर राव, आप कैसी तबीयत है आपकी? आप तो कुछ अच्छा। गुड। माइक्रोफिल्म ढूंढने का काम मेरे सुपुर्द किया गया है, इसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे बता दीजिए। और तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने इस कैमरे में हमला करने वालों की तस्वीरें ले ली थी, शायद इससे तो सुराग लग जाए। फिर भी आपने उन लोगों को देखा है, वो कैसे थे, कौन थे, उनकी शक्ल सूरत? पर हमला किया था।
सिंह, हमारे डिपार्टमेंट में तो इनके मुताबिक कोई जानकारी नहीं है। मैं पता कर लूंगा सर। लेट अस होप सो। मैंने बंबई में तुम्हारी मदद का इंतजाम कर दिया है, वहाँ स्टेशन पे तुम्हें एक टैक्सी ड्राइवर मिलेगा। उसका कोई हुलिया, कोई निशान, कोई पासवर्ड? हाँ, वो तुम्हें कह रहा है कि आजकल बंबई का मौसम बहुत खराब है। तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मुझे इसकी आदत है। थैंक यू सर, मैं आज ही बंबई के लिए रवाना हो जाऊंगा। हाँ, और जैसे ही तुम्हें इनके मुताबिक जानकारी मिले मुझे फोन चला देना। तो ये है सीक्रेट एजेंट 0717 मिस्टर राकेश, जो हमारे पीछे बॉम्बे चला रहा है। वो बॉम्बे नहीं पहुंचेगा। मैंने नंबर 10 को मैसेज दे दिया है कि वो राकेश को रास्ते में ही। जानता हूँ, लेकिन कांटे को कांटे से निकाला जाता है। क्या मतलब? यही कि राकेश माइक्रो फिल्म के बारे में जरूर कुछ जानता है और वही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का जरिया बनेगा। देर किस बात, मैं अभी पता कर लेता हूँ। जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा, हमें अभी इसके सामने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं बम्बई खबर कर देता हूँ। बम्बई पास से राज मालूम कर लिया जाएगा।
अगर तुमने अभी भी हमारा कहना नहीं माना
तो इस लड़की को इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर रहम करो, तुम भी अपनी बच्ची पर रहम करो। आज पर All right, Dr. Verma. Meena, दिल्ली से डॉक्टर वर्मा ने बताया है कि माइक्रोफिल्म गुम हो जाने के साथ लेटर नंबर 93 भी गुम हो गया है, इसलिए इसे कैंसिल समझा जाए और अब सीक्रेट एजेंट 077 राकेश नया लेटर नंबर 94 लेकर आ रहा है। हमें माइक्रोफिल्म उनके अलावा और किसी को नहीं देनी चाहिए। मगर मिस्टर राकेश वर्मा कब तक पहुंच जाएंगे? वो बंबई पहुंच चुका है, रॉयल होटल में ठहरा हुआ है। राकेश जी बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर चटर्जी के सतर से मीना बोल रही हूँ। माइक्रोफिल्म लेने के लिए आप फॉरन खतरनाक हिल रोड बांद्रा में आ जाइए। आप घबराइए नहीं, मैं भी हाजिर होता हूँ। हेलो, 39 हिल रोड बांद्रा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी भी तरह राकेश को वहां पहुंचना जरूर को। तुम मेरे दिल में बसी हो। बताओ, बंद करो। मैं अभी हाँ बैठो 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 भाई, मैं फोन करने चाहता हूँ। वेरी सॉरी। हाँ बैठो बैठो। के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। बकमत, ये लेटर तुम्हारे नाम है और इसमें साफ लिखा है कि ये लेटर लाने वाले को माइक्रोफिल्म दे दी जाए। लेकिन कैसी माइक्रोफिल्म, कौन सी माइक्रोफिल्म, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बताओ बताओ माइक्रोफिल्म कहाँ है, वरना हम तुम्हारी जान लेंगे। आप क्यों वेट कर रहे हैं? इन्हें पता क्यों नहीं देते? माइक्रोफिल्म आपने डॉक्टर देसाई को दे रखी है। इन्हें डॉक्टर देसाई के नाम एक लेटर लिखी थी ना? हाँ हाँ, हमें जल्दी से लिख दो।
राकेश तो अभी तक नहीं आया और अब माइक्रोफिल्म का यहां रखना खतरे से खाली नहीं। मैं वो तुम्हें दे देता हूं, तुम उसे राकेश के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन जरा सावधानी से, किसी गलत हाथ में ना पहुंच जाए। आप क्यों घबराते हैं? आप तो जानते हैं ये सीक्रेट कोड में लिखा हुआ है, आपके और मेरे अलावा कोई पढ़ भी नहीं सकता। ओहो, फिर भी तुम्हें एहतियाती से काम लेना चाहिए। जाओ। दूसरा पार्ट भी लाएंगे। बहुत अच्छा, हम वेट करेगा, अभी हम जाता। अच्छा, नमस्ते। 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 आज हाथ में आई हुई सोने की चिड़िया उड़ गई। अगर हमारा दिल्ली ऑपरेशन कामयाब होता तो दूसरा हिस्सा भी हमारे हाथ में होता और आज हम मालूमाल होते। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अब तक हमें उस दूसरी पार्टी का पता नहीं मिला। हम उस पार्टी को ढूंढ कर ही रहेंगे। हम राकेश को खत्म नहीं करेंगे बल्कि दिन रात साए की तरह उसका पीछा करेंगे। वो कभी ना कभी जरूर उस पार्टी का पता लगा लेगा। ठीक है, सब लोगों को हिदायत कर दो कि राकेश से कड़ी नजर रखे। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि डॉक्टर चरण जी माइक्रोफिल्म को नहीं बता सका। मगर आपको किसी तरह माइक्रोफिल्म का पता लगाना ही चाहिए, वरना देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं इसलिए तो यहाँ आया हूँ मसीना, लेकिन इसके लिए कोई क्लू मिलना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन है। अरे हाँ, तुम तो डॉक्टर चटर्जी की सेक्रेटरी थी ना, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं? नहीं सर, डॉक्टर चटर्जी ने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जिन लोगों ने डॉक्टर चटर्जी पर हमला किया, हमला करने वाले एक नहीं थे, दो दो पार्टी थी मिस्टर राकेश। ठीक है, दो पार्टियां थी, लेकिन तुमने उनमें से किसी को भी नहीं देखा, कोई भी डॉक्टर से मिलने नहीं आया। आप मेरा यकीन तो नहीं करते मिस्टर राकेश, वक्त आने पर देश के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। यू मस्ट ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। इनमें से आप किसी को पहचानती हैं? हमारा दुश्मन राकेश तब तो फॉरन मिली समय साधन जाना चाहिए, शायद वहां कुछ पता चल सके। और हम
खुदा के इधर आ रहा है। गीजर की जब मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। जॉन यस तुम जाओ और राकेश को किसी भी सूरत से जिंदा वापस पहुंचा दो। यस सर। पता चलता है कि जरूर कोई राकेश का मददगार था जिसके जरिए जॉन मारा गया और राकेश हमसे बच निकला। लेकिन कल हम ऐसी चाल चलेंगे
कि वो हमसे बच नहीं सकता है। हेलो राकेश, मैं नीना बोल रही हूँ। क्या बात है? मैं डॉक्टर चैटर्जी सिकुलेस का पीछा कर रही हूँ। वो जल्दी पॉइंट पर एक मकान में गए हैं। तुम फौरन वहाँ पहुँच जाओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं भी आता हूँ। ओके बाय। वेरी गुड। Thank you.
मक्कार धोखेबाज, तुमने मेरी जान लेने का खूब जाल बिछाया। मैं नहीं जानता था तुम्हारी नजरों में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। ये क्या पागलपन है? मैं भला तुम्हारी जान क्यों लेने लगी? इसलिए कि तुम दुश्मनों से मिली हुई हो। मैं दुश्मनों के साथ मिली हुई हूँ? हाँ, तुमने मुझे फोन किया था, तुमने मुझे वर्ली पॉइंट पर बुलाया था ताकि तुम्हारे आदमी आकर मुझे मार डाले। मैंने तुम्हें टेलीफोन किया, मैंने तुम्हें बुलाया। ओ राकेश, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारी जान तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मुझे और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। साफ साफ कहो, इस साजिश के पीछे और कौन लोग हैं? मैं नहीं जानती। तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं कैसे समझाऊं? मैं नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। दीदी, दीदी जी, शरबत, राकेश, तुम पियो इसे। पियो, पियो इसे। पियो, मैं कहता हूँ पियो इसे। कितना जहर है? बताओ किसने जहर डाला? मुझे नहीं मालूम। बताओ, नीना ने? नीना जी की बेटी सूर है। तो फिर किसने डाला? बताती हूँ। हाँ, बताती हूँ। I'm sorry, मीना, मैंने तुम्हें गलत समझा। इसी बात का तो देखो मुझे कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। किसी और ने मुझे गलत समझा होता तो मुझे इतना अफसोस ना होता। मुझे और शर्मिंदा न करो, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मर जाऊं, हाय 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 मैं मर जाऊं। तेरे हुस्न का ये नजारा, तेरे हुस्न का ये नजारा, जैसे पानी पे अंगारा, कहता है दिल आवारा। हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं। क्या मौसम है मस्ताना, दिल दीवाना और दिल से दिल टकराना। हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं। ये तेरी तेज निगाहें तलवारें हैं के बाहें, दिल भूल गया है मंजिल, दिल भूल गया है मंजिल, हम भूल गए हैं राहें, तेरे इश्क ने हमको मारा। हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं। क्या मौसम है मस्ताना, हुआ देख के दिल दीवाना और दिल से दिल टकराना। हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं। Thank you.
न देखा दिलदार कोई तुम जैसा, हमने भी कहीं न देखा, हमने भी कहीं न देखा दिल पे कोई तुम जैसा, तेरा मुखड़ा प्यारा प्यारा हाय मैं मर जाऊं, जरा कहते फिर दोबारा हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं। क्या मौसम है मस्ताना, वो देख के दिल दीवाना और दिल से दिल टकराना, हाय मैं मर जाऊं, हाय मैं मर जाऊं। हमारी बार बार कोशिशों के बावजूद राकेश हमसे बचता जा रहा कि माइक्रोफिल्म का जो हिस्सा हमारे पास है उसे हम भेजते हैं। नंबर 789, तुम लोग फौरन चाइनीज एजेंट सूची को निकला करो। उधर चलो, आओ। आपको जो माइक्रोफिल्म चाहिए उसका पहला पार्ट हम आपको दे सकते हैं। आपका मतलब हेलेन बॉय मेरे माइक्रोफिल्म से? यस, हाँ खरीदेगा और इसके लिए आपको 5 लाख रुपए देना। 5 लाख रुपया? इतना रुपया? इसके लिए हमको हमारे बॉस से पूछना पड़ेगा। हेलो जी। हाँ, अच्छा अभी एक पार्टी आई है, माइक्रोफिल्म का पहला हिस्सा ऑफर कर रही है, इसे फौरन खरीद लो और उसका दूसरा पार्ट भी अरेबियन नाइट से खरीद लो। यस बस, लेकिन वो पार्टी 5 लाख रुपया मांगता है। नहीं, वो जितना रुपया मांगता उसको दे दो, हम सुनना से फिल्म मांगता, समझा? यस बस, हम माइक्रोफिल्म खरीदेगा, हमारा आदमी आज ही 5 लाख रुपया लेकर फिर उठा चलाएगा। ओके राकेश, आज मैंने बहुत जरूरी बात सुनी है। क्या जरूरी बात? माइक्रोफिल्म का एक हिस्सा जिम्मी के हाथों बेचे जाने वाला है। आज मैंने उनमें से एक आदमी को देखा, जिम्मी ने डॉक्टर साहब का खून किया था, मैंने उसका पीछा किया और वो एक चिल्ली की दुकान में चला गया, मैं भी उसके पीछे पीछे गई और चुपके सारी बातें सुन ली। 5 लाख में सौदा तय हुआ है और वो चिल्ली फेमस होगी जाने मान लेने के लिए। फेमस हो गई? हाँ। नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हम माल लेने के वास्ते आए हैं। माल देगा लेकिन हम बहुत रुपया लाए, पूरा 5 लाख। देखो देखो देखो, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, ये लो अपना माल। ये ठीक है लेकिन हमको इसका दूसरा हिस्सा भी मांगता है, तुम हमको वो देगा, हम तुमको 5 रुपया देंगे। फिक्र मत करो, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। तुम हमको जितना हिस्सा इस्तेमाल देगा हम वो सब खरीद लेगा और हम तुमको 5 रुपया देंगे। शुक्रिया। अच्छा हम चाहता है। अच्छा जाएगा। अच्छा नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। चलो अच्छा माँ, मेरा हिस्सा? तुम्हारा हिस्सा भी मिल जाएगा, पहले काम तो पूरा हो जाने दो। जितना काम हो गया मुझे उसका हिस्सा चाहिए। इसी बात महाराज मत, तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा। क्यों हिस्सा? बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं ठहरो, मैं खुद अपना हिस्सा ले लूंगा। जमीन लाओ। हिस्सा चाहिए, कुत्ता कहीं का। बॉस बाहर और दक्षिणी आपसे मिलने के लिए खड़े। और दक्षिणी? आने दो उन्हें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सचे बच्चे। हम माल के वास्ते आया, तुम जितना रुपया बोला हम सब लेके आए।
कागज। धोखा, आशा हमारे साथ धोखा हुआ है, माफ कीजिएगा, कोई दूसरी पार्टी हमें धोखा देकर माल ले गई है। खैर हम ये सब नहीं जानता, तुम हमको माल देगा, हम तुमको उसी वक्त रुपया देगा। अच्छा अब हम जाता, सुनो क्यों मोटर बोट नंबर 5711 चाइनीज बोट का पीछा करो, भाग नहीं पाए किसी भी तरह माइक्रोफिल्म हासिल करो। तुम दोनों की लाशें यहाँ तड़पती हुई नजर आएगी, मैं सिर्फ तीन गिनूंगी, एक दो। अरे राकेश भाई ये मामला तो मजाक मजाक में अपनी जान देने देने तक पहुंच गया है भाई, मैं कहता हूँ ये माइक्रोफोन इस नासिम के हवाले कर दो। अरे गुस्से को थूक दो, उज्जत छोड़ो, दे दो यार, दे दो दे दो। अपने आप को बहुत चालाक समझती हो, वो बस से निकल गया और तुम लोग। लेकिन बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे माइक्रोफिल्म चाहिए माइक्रोफिल्म। एक तरकीब मेरी समझ में आई है। बोलो राकेश स्पीकिंग प्लीज। आपको जिस माइक्रोफिल्म की तलाश है वो मैं आपको दे सकती हूँ। माइक्रोफिल्म कहाँ से मिली आपको, कौन है आप? मैं कौन हूँ क्या हूँ ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं, आप इतना जान लीजिए कि वो माइक्रोफिल्म इस वक्त मेरे कब्जे में है और आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको 5,00,000 रुपए देने होंगे। 5,00,000? ठीक है, लेकिन आपसे मुलाकात कहाँ होगी? लवर्स पॉइंट। लवर्स पॉइंट, मुझे इसी वक्त लवर्स पॉइंट पर जाना है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन खतरा है, इसीलिए तो मैं साथ चलना चाहती हूँ।
खाली पड़ गई। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई, आहों से दिल वालों की। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई, आहों से दिल वालों की। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई, आहों से दिल वालों की। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई, आहों से दिल वालों की। आहों ने तकदीर बना दी काले काले वालों की। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई, आहों से दिल वालों की। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई। तकदीर जमाने वालों की, ठोकर में हम रखते हैं तकदीर जमाने वालों की। ठोकर में हम रखते हैं तकदीर जमाने वालों की। ठोकर में हम रखते हैं तकदीर जमाने वालों की। आहों ने तकदीर बना दी काले काले वालों की। आहों ने तकदीर बना दी काले काले वालों की। तेरा था अंदाज न देखा, हुस्न न देखा, नाज न देखा। तेरा था अंदाज न देखा, हुस्न न देखा, नाज न देखा। कलियां खिलते लाखों देखी, लेकिन ये आगाज न देखा। कलियां खिलते लाखों देखी, लेकिन ये आगाज न देखा। हुस्न को तेरे दुआ लगी है, अजी हुस्न को तेरे दुआ लगी है। शायद हम दिल वालों की, तेरे दुआ लगी है शायद हम दिल वालों की। अजी हुस्न को तेरे दुआ लगी है, शायद हम दिल वालों की। हुस्न को तेरे दुआ लगी है, शायद हम दिल वालों की। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई, आहों से दिल वालों की। हुस्न की जुल्फे काली पड़ गई, आहों से दिल वालों की। अरे मरने पे तैयार हुए हैं, होश से हम मदहोश हुए हैं, मरने पे तैयार हुए हैं। होश से हम मदहोश हुए हैं, मरने पे तैयार हुए हैं। आँखों पे कुर्बान गए हैं, कत्ल बिना तलवार हुए हैं। आँखों पे कुर्बान गए हैं, कत्ल बिना तलवार हुए हैं। आँखों पे कुर्बान गए हैं, कत्ल बिना तलवार हुए हैं। कुर्बान गए हैं, हाँ हाँ कुर्बान गए हैं।
खून बहा के कीमत दी है, अरे खून बहा के कीमत दी है, लाल गुलाबी गालों की बहा के कीमत दी है, लाल गुलाबी गालों की, अरे खून बहा के कीमत दी है, लाल गुलाबी गालों की, खून बहा के कीमत दी है, लाल गुलाबी गालों की, उसने की जुल्फें काली पड़ गई आहों से दिल वालों की, उसने की जुल्फें काली पड़ गई आहों से दिल वालों की, आहों ने तकदीर बना दी काले काले बालों की, उसने की जुल्फें काली पड़ गई आहों से दिल वालों की। मिस्टर राकेश बताओ कहाँ है माइक्रोफिल्म? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। डोंट बी फूलिश, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहती, सीधे सीधे बता दो कहाँ है माइक्रोफिल्म। आगे मत बढ़ो वरना मैं गोली चला दूंगी। आ, आ, छोड़ दो मुझे। पिस्तौल में से गोलियां कौन निकाल सकता है? तुमने जानबूझ के राकेश को जाने दिया। मैंने जानबूझ के राकेश को जाने दिया? मैं ऐसी जगह हर किस काम नहीं करूंगी जहां मेरा कोई यकीन नहीं करता। मैं पार्टी छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो पार्टी छोड़ के जाने वालों का होता है। सुन तो बॉस, रेशमा नादान है, एक दफे इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो एक बार माफ कर देता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना हो। आज अगर तुम न होते तो न जाने मेरा क्या होता। इसीलिए तो कहता हूँ तुम इन लोगों का साथ छोड़ दो। साथ छोड़ दूँ? लेकिन तुम भी तो। मैं भी इन लोगों के साथ हूँ, यही कहना चाहती हो ना? मैं इन लोगों का साथ इसलिए दे रहा हूँ कि इनके काले कारनामों को दिन की रोशनी दिखा सकूं। दिनेश, आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रेशमा, अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैं लवर स्टैंड पर देखा था। अरे हाँ, इसको तो मैंने सेमीफाइनल में भी देखा है। आज रात को इसका प्रोग्राम आरोपी मैच में, मैं तुम्हें जरूर जाना चाहिए। शायद इस लड़की से कोई क्लू मिल जाए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, यस सर, ये टेलीफोन उन साहब को दे दो। उन साहब को? लेकिन ओ थैंक यू थैंक यू। क्या तुम सुनो? हेलो, मैं जमाने की कोशिश की।
राकेश और मीना अरबियन नाइट में आए हुए हैं। ये लो गोली और राकेश के गिलास में डाल दो ताकि वो बेहोश हो जाए और फिर हम उसे माइक्रोफोन के बारे में पूछ सकें। ओके बाय। राकेश और मीना अरेबियन नाइट से निकलकर न्यू बीच की तरफ आ रहे हैं। तुम लोग तैयार है ना? इंसान और इंसानियत के खून से रंगे हुए हैं, जिसके लिए चांदी के चंद टुकड़े धर्म ईमान फर्ज और आजादी से ज्यादा कीमती है। ये तो सिर्फ खोखले लफ्ज है, ये सबसे बढ़कर है पैसा, सिर्फ पैसा। दुनिया पैसे की गुलाम है और दौलत का पर्दा बड़े से बड़े गुनाह को छुपा लेता है। हर गुनाहगार को ये गलतफहमी रहती है मिस्टर मदन, लेकिन कानून और इंसाफ के हाथ बहुत लंबे हैं।
कानून और इंसाफ की बातें तो अदालत में अच्छी लगती है मिस्टर राकेश। यहां तो आपको बिजनेस के लिए बुलाया गया। क्या मतलब? मतलब यही कि माइक्रोफिल्म हासिल करने में अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपको माला मार सकता। तुम मुझे कभी नहीं खरीद सकते, मेरे असलों को कभी नहीं बदल सकते। उसूलों की भी कीमत होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो, तुम जैसे दलील से बात करना भी मैं अपनी टाइम समझता हूं। मैं तुम्हारी ना को हां में बदल सकता हूं। रोवर बैठो। मिस्टर राकेश, तुम्हें मीना की जिंदगी बहुत प्यारी है और मुझे इससे भी ज्यादा प्यारा है अपना प्रिजनर। और अब भी तुम मेरा पार्टनर बनने से इनकार करते हो तो समझ लो मीना की जिंदगी को मौत में बदल सकता हूँ। अच्छी तरह सोच लो। राकेश, तुम्हों के साथ मिलकर गद्दारी कभी नहीं कर सकता। राकेश, देश के सामने मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। इन्हों का साथ देने से मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। तुम्हारी हाँ इसकी जिंदगी है और तुम्हारी ना इसकी मौत। ले जाओ इन दोनों को और खत्म कर दो। दस मिनट के बाद टाइम बम के फटते ही दोनों खत्म हो जाएंगे। अब क्या होगा? मैं घबरा क्यों रही हूँ? ये मेरा कोट है ना, ये तुम के अगला था। तुम जरा उसकी चेन खींच लो। मदद करो, कुछ नहीं करो। हेलो हेलो, 001 स्पीकिंग। पुगवट, हमारी जान खतरे में है, तुम हमारी मदद के लिए फौरन पहुंचो। हम इस वक्त मंड आइलैंड के पास समुद्र में है। ऑलराइट। हेलो हेलो, 004 004 स्पीकिंग। राकेश की जान खतरे में है, हम उसकी मदद करेंगे। तुम हमें एरोड्रम पर मिलो। और आइए तशरीफ रखिए। हेलो बाबूलाल जी, माफ कीजिए, इससे पहले मैंने आपको आपसे नहीं मिलाया। आप हैं सीक्रेट एजेंट 004 मिस्टर दिनेश। आप हैं मिस मीना। हाउ डू डू। और आप हैं सीक्रेट एजेंट 077 मिस्टर राकेश। मैं इनको पहले से ही जानता हूँ। अच्छा, बैठिए आइए आइए। हमारी जान बचाने का शुक्रिया, दैट्स माई ड्यूटी। माइक्रोफिल्म के बारे में जरूर कुछ जानते होंगे। हाँ, यही कि उसका दूसरा हिस्सा तो अर्बन नाइट में था, लेकिन उसके पहले पार्ट का पता नहीं। उसका पहला पार्ट गोल्डन नाइट था, लेकिन अब मेरे पास है। तो फिर देर किस बात की है? आप अर्बन नाइट से माइक्रोफिल्म ले आइए। लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उसे कहाँ छुपा कर रखा गया। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं उसे हासिल करूंगा। जरूरत पड़ने पर आप लोगों की मदद भी लूंगा। तो फिर हमें उन सब बदमाशों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अभी नहीं, सब आने पर वो भी हो जाएगा। इस माइक्रोफिल्म के पीछे दो दो तीन तीन पार्टियों का हाथ है, हमारी जल्दबाजी से असली दुश्मन हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, आप लोगों को होशियारी से रहना चाहिए। रॉयल होटल में दुश्मनों ने अपना जाल फैला रखा है,
फिकर नाट अगर यही बात है तो मैं लीजा से ऐसी किस्म की 420 चलाता हूँ कि उन सब का राज मालूम कर लेता हूँ। भैया मुहूर्त आज आज निश्चित हो गया। मैडम जाने से पहले आप मुझे एक बात बता सकती हैं? जिस तरह मैं आपको प्यार करता हूँ कि आप भी मुझे प्यार करती हैं, मैं सच कहता हूँ मैडम, जब से आपको देखा है मैं सच कहता हूँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया। क्रैक पेशेंट आपसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। जोर से यू मैन कौन है तुम? पोपटलाल का बच्चा? एक्सक्यूज मी, पोपटलाल का बच्चा नहीं, तोतालाल का बच्चा। पोपटलाल ठक तोतालाल का बच्चा, तुम टैक्सी ड्राइवर से प्रेस फोटोग्राफर बनकर भोली भाली लड़की पर डोरी डालकर निकले यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा काम तोड़ दूंगा। देखिए मैनेजर साहब, आप लड़कियों के सामने अदब से बात कीजिए वरना आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। चलो देख लो यहाँ से, जाओ भागो। मिस रिजी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। तुम हमको बुलाया, हमको बहुत खुशी हुई, तुम्हारी तकलीफ में हमको बुलाया करो। और कोई तकलीफ हो तो मुझे आई चेक के जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी वो मैन तुमको कभी नहीं तंग करेगा मिस लीजी। थैंक यू मिस्टर डिसोजा, मगर आप अभी जा सकते हैं। मैं अभी जा सकता? इतनी जल्दी? मैं तो सोचा अभी तुम्हारे पास 2 मिनट बैठूं, तुमसे थोड़ा मीठी मीठी बातें करूं। नो, अभी नहीं। क्यों? इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है। जब देखो काम में लगे रहते हो, एक नजर हमारी तरफ से तो देखो। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ओके? Thank you.
हम अकेले, हम फिलहाल तो हैं, एक तो मोरक में। मगर यहाँ क्यों आए हो? चोर कहेंगे? चोर? वाह, चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर हवलदार गुटाते। मैं कहता हूँ चोर तुम हो। मैं तो हूँ। हाँ, वो कैसे? वो कैसे? तुमने जो मेरी चीज चुराई वो वापस कर दो, वरना पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। तुम्हारी इन हरकतों से मैं तो बेजार हो चुकी हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ता हूँ। लो मैं आगे आ गया, अब तो खुश हो? हाय हाय, हंसी हंसी तो मेरे दिल में फंसी और मेरे प्रेम जाल में फंसी। पटलाल के साथ लीसा। देखो क्या लिखा है। लिखा है पोपट लाल एंड डॉग अलाउ। क्या बात है? मतलब नहीं मालूम, बिल्कुल मामूली सी बात है। लाल तोते और कुत्ते इस होटल में नहीं आते। लाल तोते नहीं, पोपट लाल और कुत्ते इस होटल में नहीं आ सकते। नहीं कि मैं? हाँ, क्यों? मेरे भाई क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारे इस होटल के लोग छोटी लोगों को तुम बिगाड़ता छेड़ता है, इसलिए आज से इस होटल में तुम्हारा आना बंद, नहीं आ सकता। मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा, हम देखता हूँ मुझे कौन निकालता है। कौन निकालता है? यस सर। गेट आउट का रास्ता बताओ। ठहरो। हाँ, हमको गेट का रास्ता मालूम है, लेकिन हम शॉर्टकट से आउट होने में आ रहे हैं। क्या? बोलो मैं। हाँ, अरे हमको कोई रोक नहीं सकता। हेलो डॉक्टर, ये लो फिर। बॉस, मैं नंबर 5 बोल रहा हूँ। नंबर 5? यस बॉस। जो लोग गोलनाइट से नौकर फूल लेकर भाग दिया उसका पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला। नहीं चला, इसको बताया। ओके बॉस। हाँ सुनो, तुम आज ही अरेबियन नाइट जाओ, एक लाल गुना को फूल खरीद के लाओ। यस बॉस, हम आज ही खरीदता। बस हेलो दिनेश। दिनेश स्पीकिंग। आज रात इंडिया डे फेस्टिवल है, तुम्हारा अरेबियन नाइट में आना बहुत जरूरी है। वो क्यों? इसलिए कि आज चाइनीज माइक्रोफिल्म खरीदने के लिए अरेबियन नाइट आने वाले हैं। थैंक्स, मैं पहुंच जाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी खबर है। नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। आज माइक्रोफिल्म हमारे कब्जे में आ जाएगी। तुम दोनों भेष बदल कर अरेबियन नाइट पहुंचो, मैं माइक्रोफिल्म तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर ऐसा ही है तो मैं डांस से बढ़कर अरेबियन नाइट चाहूंगी।
अलार्म की आवाज सुनकर जब मैं इस तरफ आया तो बॉस को बेहोश पाया। दो आदमी यहाँ से भाग रहे थे, एक को तो मैंने यही खत्म कर दिया और दूसरा उस तरफ भाग गया। मेरे पास माइक्रोफिल्म थी, वो कौन ले गया? माइक्रोफिल्म? तब तो वही आदमी लेके भागा होगा। भाग के जाएगा कहाँ? चलो मेरे साथ, चलो। होटल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाए। होटल में चोरी हो जाने की वजह से सबकी तलाशी ली जाएगी। अगर किसी ने भी बगैर तलाशी दिए भागने की कोशिश की तो घड़ी से उड़ा दिया जाएगा। जाओ तुम भी जाओ, जाओ। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं, चोर तीन सरकार ने मुझे जख्मी कर आपका आपका पीछा किया। पकड़ लो इसे। इसका पीछा करो और उसे जान से मार डालो। All right. Mm-hmm. Yes, all right. Yes, thank you. Miss? Yes? Yes? मुझे कमरा चाहिए। Sorry, यहाँ कोई रूम खाली नहीं है। Please. मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मैनेजर साहब कहाँ है? बाहर गए जी। अच्छा तो मैं सामने बैठ के उनका इंतजार करती। कौन थे ये? कोई रूम मांग रही थी, मैंने बोल दिया नहीं है। तुमको किसने ना बोलने को बोला? सुनिए सुनिए, आपको रूम मांगता है? जी हाँ। तो आइए हमारे साथ जी। आइए मिस, इनको कोई अच्छा सा रूम दे दो। रूम तो एक भी खाली नहीं है। एक भी खाली नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, हमारा वाला रूम इनको दे दो। थैंक यू। फिर तो कहाँ चाहेंगे बॉस? तुम फिक्र क्यों करता, काउंटर पर सो जाएगा। तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको कमरा दिखाते हैं। ये रहा मेरा रूम। पसंद आया आपका? बहुत खूबसूरत कमरा है आपका मिस्टर डिसोजा। आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। मिस्टर डिसोजा, आप कितने 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 अच्छे आदमी हैं। बोलिए, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए मिस्टर डिसोजा, मैंने आपको तकलीफ दी, इसकी मैं माफी चाहती हूँ। अरे इसमें तकलीफ क्या है, ये तो मेरा फर्ज है। मैं लड़कियों का बहुत ख्याल रखा करता हूँ। जी हाँ, अपने होटल में जगह देता हूँ, अपने दिल में जगह देता हूँ। आप तो हमारे खास मेहमान हैं। आपका काम करके मुझे बड़ी खुशी होगी। बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ? बेहतर देता होगा।
इस वक्त तो मेरा हाथ चोरी को देख लेगा। नहीं नहीं कोई नहीं देखेगा। डिसोजा, मैं जरा सफर से आई हूँ इसलिए जरा थक गई हूँ। आराम करो। अच्छा ठीक है, आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। नालायक। मैनेजर साहब, दोनों मैनेजर साहब लोग चले गए, एक खाली बॉक्स मिला। खाली बॉक्स? चलो देखो कितने लिख गया है। फ्रॉड, डिसोजा को धोखा। हम लड़की समझ कर रहम किया, ऊपर से हमारे ही रुपया खाकर भाग गया। मिस, आज से इस होटल में अकेली किसी लड़की को रूम नहीं मिलेगा, समझी? सुनिए, मुझे एक कमरा चाहिए। आपके साथ कोई है? जी नहीं, सॉरी, मैं किसी लड़की को रूम नहीं दे सकती। खैरिये मिस, इनको रूम दे दीजिए। लेकिन बॉस, आपने तो बोला था। हमने बोला था ना, तो अभी हम ही बोलता है, इनको रूम दे दीजिए। यस बॉस। हाँ। कमरा नंबर 112। आपको कोई चीज मांगता होता तो हमको बोलिए, आइए आपको हम कमरा दिखाते हैं। ये लीजिए, माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म? गुड, वेरी गुड। मगर ये तो फिल्म का दूसरा हिस्सा है। जी, इसका पहला हिस्सा मेरे ख्याल में राकेश के पास है। तब तो माइक्रोफिल्म हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो क्या? तुम राकेश को अपनी प्यार मोहब्बत में फंसा लो और किसी भी तरह उसे माइक्रोफिल्म निकाल लाओ। कोशिश करेंगे, लेकिन राकेश को चकमा देना आसान नहीं है। बहुत चलाक लड़का है। वो लड़की भी कोई कम चालक नहीं थी राकेश। कोई बात नहीं, मैं किसी न किसी तरह उसका पता कर लूंगा। I'm sorry.
मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, अपने अपने हथियार मेरे हवाले कर दो। खतर तौजे करने पड़े। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे क्या हो जाता, मेरी जिंदगी में रोजमर्रा की बात है। अगले कहेंगे फिल्म का बहाना तुम लोगों को यहाँ बुलवाया। समझी, तो रेशमा भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। तुम दोनों गद्दार हो और गद्दारों की सजा मौत है। बात भी खुले, शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं एक सरकारी एजेंट हूँ और तुम सब लोग इस वक्त पुलिस के घेरे में हो। मेरे एक इशारे पर तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम लोगों की मजबूरियां समझता हूं। मुझे तुम सब लोगों से हमदर्दी है। मैं ये चाहता हूं
कि तुम सब लोग मेरे साथ मिलकर देश की भलाई के लिए काम करो। दिलीप ठीक कह रहा है, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली तो मैं सरकार को रिक्वेस्ट करके तुम सबको माफ करवा दूंगा। हमें ये मैं TW2 जगदीश बोल रहा हूँ। 037 ये सर। राकेश क्या पोजीशन है? सर माइक्रोफिल्म का एक हिस्सा मेरे कब्जे में आ चुका है। और दूसरा? उसका पता मैंने लगा दिया है, 2-4 दिन में वो भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। तो अपनी माइक्रोफिल्म एहतियात के लिए एजेंट 807 के हवाले कर दो, वो ट्रॉम्बे के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
राकेश, राकेश, उठो राकेश, उठो राकेश, होश में आओ राकेश, उठो। ये रहे माइक्रोफिल्म के दोनों हिस्से, लीजिए और मालिक की। लुकियो देने से पहला हम माल को देखने को मांगता। डॉली, बिल्कुल बेकार है, इसको हम पढ़ने को नहीं सकता, ये सीक्रेट खोद गए हैं। लेकिन अब इसे पढ़ने वाला कहाँ मिलेगा? कौन? मीना इसे पढ़ सकती है। मीना इसे पढ़ सकती है? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसे डॉक्टर चटर्जी को कहते हुए सुना कि वो इसे पढ़ सकती है। तब तो हमारा काम बन गया मिस्टर मैडम, हमें सारा मीना को अपने कब्जे में लेना चाहिए। ऐसा ही होगा। हमें फौरन से मत हटा, हमला कर देना चाहिए। राकेश, मदन और उसके आदमी मीना को उठा कर लेंगे। मीना को उठा कर लेंगे? हाँ। करो, मैं फिर कहता हूँ पढ़ो इसे। आना फिर कहते हैं, मैं भी नहीं करूँगी। मैडम, तुम्हारी भलाई इसलिए है कि तुम हमारी बात मान लो। गद्दार, सीईओ के गुलाम, मैं से कीमत पर देश को दुश्मनों के हवाले नहीं होने दूंगी। चाहे तुम लोग मेरी जान क्यों ना ले लो। जान देने का बहुत शौक है। मालूम होता है ये लोग भाग गए। यहाँ तो कोई नहीं, मालूम होता है खुफिया रास्ते से कहीं भाग गए। ये सब लोग भाग के गए कहाँ, हमें इसका पता कैसे चलेगा? हमें चीनी एजेंट सूजी को पकड़ना चाहिए, वो जरूर सब कुछ जानता होगा। यस बॉस, यस।
हमारे आदमी मिस्टर मदन और माइक्रोफिल्म लेकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जल्द ही वो आपके अड्डे पर पहुंच जाएंगे। बताओ कहाँ है तुम्हारे पास? कौन बात, कौन सा अड्डा? तुम्हें कुछ मालूम नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये यूँ नहीं बताएगा, बताओ बता रहा हूँ। हमारे पास का अड्डा रेड हाईवे पे है, ये सब लोग वहां गए हैं। रुक जाओ, हेलो रेशमा, हम दुश्मन के अड्डे तक पहुंच गए, तुम लोग फौरन पहुंचो। लेकिन कहां? रेड आइलैंड पर। ओके। हेलो, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। घंटे के अंदर हमारा एकदम बम तैयार हो जाएगा और हमारा रात अच्छी तैयार है। ठीक है मिस्टर, आपका काम हो गया, अब हमारा काम होगा। मानकर मतलब आप जानता नहीं, रोक दिया मानकर मिलेगा जल्दी रुपया छह घंटे के अंदर है बम तैयार हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त मीना ने हमको बहुत बड़ा बता दिया और हम पहले इंडिया पे एक्सपेरिमेंट करेगा। कमा करेगा, कब बात करेगा? हम सारी वाली पर कब बात करेगा? विलियम बम वाले रॉकेट को उड़ने से पहले हमें रोकना होगा। अरे वो तो रोक लेंगे भाई, लेकिन फिलहाल यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? उसका इंतजाम मेरे पास है। Thank you.
Oh.
देखो दे दीवाना और देखो दे तकराना हाय मेरे जाना